राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस का डेलीगेशन जो है चुनाव आयोग पहुंचा, हमारे साथ बातचीत कर रहे विवेक तनखा सर, किन मुद्दों को लेकर अपनी बात रखी? बहुत, हम तो बहुत सिंपल मुद्दे को लेकर पहुंचे थे, कानूनी मुद्दे को लेकर पहुंचे थे कि आपने जो काउंटिंग वहां रुकी है वो गैर कानूनी है, क्योंकि आपके आरओ ने एक रिपोर्ट भेजी है उनके कंप्लेंट पे और उससे कहा है कि जो भी कंप्लेंट है वो सच नहीं पाई गई, कोई ब्रीच ऑफ सीक्रेसी नहीं हुई, ब्रीच ऑफ प्राइवेसी नहीं हुई। तो अब जब कोई ब्रीच ऑफ सीक्रेसी नहीं हुई और आरओ ने कहा कोई वायलेशन ऑफ लॉ नहीं हुआ है, तो इलेक्शन को काउंटिंग को रोक के रखने का कोई औचित्य नहीं है। लेकिन बीजेपी की भी टीम मिली है, वो कह रही है कि वहाँ पर जो कुछ भी हुआ है वो अवैध हुआ है, जिस तरह से जो बकायदा दिखाए गए, तो वो तो बीजेपी कह रही है। बट जो इनके ऑब्जर्वर्स हैं, जो आरओ जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं, वो ऐसा नहीं कह रहे हैं, वो उनकी रिपोर्ट टू द कॉन्ट्ररी है। तो अब इलेक्शन कमीशन आज किसकी रिपोर्ट से चलेगा, अपने अफसरों की रिपोर्ट से चलेगा कि बीजेपी की रिपोर्ट से चलेगा, ये मूल प्रश्न है। अगर बीजेपी की रिपोर्ट से चलेगा तो कल को 100 कांग्रेस की तरफ से रिपोर्ट ऐसी आएंगी, तो क्या आप काउंटिंग रोक दोगे? क्या आप इलेक्शन प्रोसेस रोक कह रहे हैं कि वहाँ पर इलीगल इसी कारण रोका जाए, काउंटिंग ना हो? नहीं, ये तो बीजेपी का कहना है, बट इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदे जो रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में वहाँ थे, जो ऑब्जर्वर्स थे, ऐसा वो नहीं कह रहे। तो आप लोगों को क्या, चुनाव आयोग ने क्या बोला? हमारा नहीं, उन्होंने वो फैसला देंगे, बोलेंगे क्या, वो तो फैसला देंगे, उन्हें सबको सुना अब तो फैसला देंगे। आपको लगता है कि आप लोग का हक में फैसला आएगा? अभी तक तो हक में है, क्योंकि आरओ का जो फैसला हमारे पक्ष में ही है। एक अंतिम सवाल, की क्या लगता है कि बीजेपी हार के डर से सब कुछ कह रही है? अब देखिए, जो व्यक्ति परेशान होता है वही तो आता है, आज बीजेपी परेशान दिख रही है। ये थे विवेक तनखा, जिनका ये कहना है कि बीजेपी चुनाव आयोग पहुंची कि चूंकि उससे हार का डर है। नई दिल्ली में कैमरामैन सुधीर कुमार के साथ राजीव रंजन, NDTV इंडिया।